एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, एक साल उनकी मुद्दत मुलाजत में तौसी कर दी गई, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। जनरल फैज हमीद साहब भी इनकी जो है वो एयर चीफ बनने में मुआवनत की थी। सजा किस बात की मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए कि इन्होंने खारियां में अपने इलाके में एक टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कायम किया। आस्तीन का सांप जो है वो डसे जा रहा था, और जब किसी की भी तौसी होती है तो जाहिर है आर्मी चीफ से भी मशवरा लिया जाता है। आसिम मुनीर साहब हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, DGISI हमारे जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब हैं। शैतान ने वरगला दिया, एयरफोर्स को और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की साल को खतरे में डाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जो अभी हालिया उनको एक्सटेंशन दी गई, एक साल उनकी मुद्दत मुलाजत में तौसी कर दी गई, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख में ये अनवर शमीम साहब के बाद दूसरे एयर चीफ हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी हुई। एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की गई, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो तरह तरह के सोशल मीडिया के ऊपर बौछाड़ कर दी गई तीरों नश्तर की, और इनको सजा क्यों मिलनी चाहिए है? ये हम आगे आके डिस्कस करते हैं। इस सारी की वजह क्या हुई, किस तरह हुई, किस लिए हुई, और फिर वो कौन अफसर थे जिनको जो है अडियाला जेल भेज दिया गया, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड। तो आए जरा एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू के घराने को जरा देखते हैं कि एक मजहबी घराने से ताल्लुक है इनका। इनके वालिद जो हैं वो एक मजहबी स्कॉलर थे, हकीम गुलाम मोहम्मद, जो कि एक गुजरात के गांव सिद्ध के अंदर जो है वो वहाँ रिहाइश थी, और सिद्ध में एयर चीफ मार्शल साहब की भी जो है वो पैदाइश हुई। इनके भाई जो हैं वो अभी हालिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट होल्डर हैं, और वहाँ से कमर जमान कायरा साहब को उन्होंने हराया है NA 65 गुजरात से, और वो नेशनल असेंबली के मेंबर बने हैं नसीर अहमद अब्बास साहब। अब नसीर अहमद अब्बास साहब, ये तो एक अलहदा बात है, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जी क्योंकि इनको इसलिए एयर चीफ बनाया जा रहा है क्योंकि इनका ताल्लुक भी जट फैमिली से है, और उस वक्त जब ये एयर चीफ बने थे तो 2021 के अंदर मार्च में, तो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ थे जो कि जट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और साथ ही साथ जो है जनरल फैज हमीद साहब जो उस वक्त के DGISI थे उन्होंने भी इनकी जो है वो एयर चीफ बनने में मुआवनत की थी। चलें अगर ये मफरूजा तब लिया गया था तो आज तो तमाम वो लोग जो कि उनके तो मुखालफत में खड़े हैं, तो फिर एयर चीफ साहब को एक्सटेंशन किस बात की दी गई, और वो भी नवाज शरीफ साहब के जो पार्टी थी, जो शहबाज शरीफ साहब उनके भाई, उन्होंने एक्सटेंशन क्यों दी, जबकि एक्सटेंशन तो जो है ये तो बिल्कुल दो मुतजाद चीज़ें थी। अब एयर चीफ मार्शल के कैरियर के ऊपर आते हैं हम, उनको देखते हैं कि उनका कैरियर क्या रहा, उनको सजा क्यों मिलनी चाहिए। अगर ये कैरियर किसी का हो तो मैं समझता हूँ ये आप फैसला करेंगे। वो DCS एडमिन, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एयरफोर्स में एक इंतहाई अहम पोस्ट समझी जाती है, इसी तरह वो एयर डिफेंस में भी रहे, फिर वो DG प्रोजेक्ट्स भी रहे, एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड भी की उन्होंने, और फिर उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कॉम्बैट कमांडर स्कूल होता है उससे भी वो ग्रेजुएट हुए, यानी कि टॉप गन, आपने फिल्म देखी होगी टॉप गन, टॉप गन में पाकिस्तान के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट होते हैं वो जाते हैं, और वो आसान नहीं होता काम करना, और वो जो इनके वक्त वहाँ गुजरता है एक बहुत ही टफ तरीन ट्रेनिंग होती है, ये वहाँ से भी सुरखुरू होकर बाहर निकले, और उसके नतीजे के अंदर इनको निशाने इम्तियाज मिलिट्री, हिलाले इम्तियाज मिलिट्री, सितारे इम्तियाज मिलिट्री, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, और तुर्क हुकूमत ने भी इनको जो एक खिताब है उनका लीजन ऑफ मेरिट वो दिया, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज जो है उससे भी इनको नवाजा गया। अब हम ये देखते हैं कि इनको सजा किस बात की मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए। सजा इस बात की मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जो एक डील साइन की आज़रबाईजान के साथ, जो कि हमारा एक बिल्कुल दोस्त ममालिक है और बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के झंडे वहाँ लहराए जाते हैं, और आज़रबाईजान अपने दिल से जो है वो पाकिस्तान को प्यार करता है, बहुत पैसे वाला मुल्क है। आज़रबाईजान के अंदर इन्होंने JF-17 थंडर जो थे जहाज़,
उनको जो है वो सेल करने का जो है वो फैसला किया और उनके साथ एक डील स्ट्राइक की जो 1.6 बिलियन डॉलर की थी। पाकिस्तान तो आईएमएफ से 1 बिलियन डॉलर कर्जे के लिए भी जो है वो पैर पड़ जाता है। तो लेकिन इस डील से जाहिर है भारत जैसे मुल्क को बड़ी तकलीफ हुई और ये फिर नवंबर 2023 के अंदर एक दिल्ली में बैठा हुआ इंडिया में जो न्यू दिल्ली है उसके अंदर बैठा हुआ एक शख्स विल्सन जॉन उसने जो है इनके खिलाफ जो एक पाकिस्तान मिलिट्री मॉनिटर है उसके खिल में एक वाइट पेपर जाहिर किया। वाइट पेपर के अंदर कुछ ऐसी जो है इंफॉर्मेशन थी जिसके ऊपर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस के कान खड़े हो गए कि जनाब ये तो खुफिया जो बातचीत है ये कहाँ से चल रही है। उसके अंदर एक इल्ज़ाम इन पे ये भी लगाया गया कि इन्होंने खारियां में अपने इलाके में एक टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कायम किया। भाई ठीक है एयरफोर्स की निगाह से देखा जाए तो वो सरगोधा ज़्यादा बेहतर है जहाँ मुशफ बेस है और बड़ा एयरफोर्स का एक होल्ड है एक घराना है समझे एक बेस है मजबूत एयरफोर्स का वहाँ भी हो सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है अगर इस इलाके में भी हुआ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ बाबर साहब के तो बच्चे जो है पढ़ लिख गए ये तो जो भी है अब जाहिर है इसमें तो आम आदमी के बच्चों ने पढ़ना है एयरफोर्स के आर्मी के नेवी के पुलिस के सिविल के लोगों के ने किसी देहात वाले ने जो मेरिट के ऊपर आएगा। बाय द वे इसका बड़ा ज़बरदस्त मेरिट है टेक्नोलॉजी पार्क का और इसके ऊपर जो पढ़ेंगे तो जाहिर है कल को वो किसी जगह अच्छे जॉब्स के ऊपर जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स को ही वो प्रेफरेंस दे दें कि हम वहाँ जाएँ। अब इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम कहाँ आई जब इन्होंने देखा कि ये खुफिया जो डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक हो गए और ये जो खुफिया डॉक्यूमेंट थे ये वन साइडेड थी। ये तस्वीर का एक रुख था तस्वीर का दूसरा पहलू जो है वो इसके अंदर नहीं दिखाया गया। उसके अंदर जो है जब खुरा लगाया गया तो पता चला कि जनाब जो घर का भेदी था वही लंका ढा रहा था आस्तीन का सांप जो है वो डसे जा रहा था और वो थे कोई और नहीं बल्कि जो एयर मार्शल चौधरी एहसन रफीक। अब चौधरी एहसन रफीक जो हैं वो बड़े अच्छे वैसे तो बड़ा अच्छा कैरियर और अब अगर इनको एक्सटेंशन ना होती मुद्दत मुलाजमत में तौसी ना होती बाबर साहब की तो एहसन रफीक साहब का बहुत चांस था कि वो चीफ बनते लेकिन वो वक्त से पहले जो है वो परेशान हो गए और उनको ये लालच आ गई। सारी ज़िंदगी 33 साल उन्होंने सर्व किया एयरफोर्ट में और बड़ी अच्छी पोजीशनों पे रहे बड़े अच्छे कैरियर ऑफिसर लेकिन बस शैतान ने वरगला दिया और उसके नतीजे के अंदर जो है उनको बहुत मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। और फिर अभी जो हालिया सूरत हाल निकली पता चला कि ये पेपर कैसे लीक हुए इसके अंदर एक और किरदार 2021 में जो शख्स एयर चीफ बनना था उनका ख्याल था जवाद साहब एयर मार्शल जवाद वो ये समझ रहे थे कि मैं बनूंगा उनकी जगह बाबर साहब बन गए। अब वो बाबर साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे और दिल के अंदर एक गुस्सा और एक लावा जो है वो पकता रहा और हसद का इलाज कोई नहीं है वो सूखी लकड़ी को ऐसे खाता है जैसे आग खाती है। उनका भी ये लावा पकता रहा और उन्होंने एयर मार्शल एहसन रफीक साहब के साथ जो है वो उनका पुराना जो है वो दोस्ताना याराना था रोज़ाना की उठना बैठना हो गया। नतीजा ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से जो एहसन रफीक साहब थे वो जवाहर साहब को भेजते थे और जवाहर साहब का एक भाई था जो IT स्पेशलिस्ट है और बहुत बड़ा IT का अंदर एक अपना नाम रखता है अमेरिका में बैठ के। और वो उसने क्या किया कि वो 6 मुख्तलिफ रूट्स के साथ जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो उठा के इस भारतीय जो निजात वहाँ विल्सन था उस तक वो पहुँचाई जिसने फिर वो वाइट पेपर जारी किया। अब इसके अंदर जो है वो एक और शख्सियत भी कूद पड़ी और वो एयर वाइस मार्शल जो है वो आसिफ थे जो कि प्रिंसिपल पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज सरगोधा वो भी इसके अंदर पता नहीं क्यों जो है वो ये कूद पड़े लेकिन बहरहाल अपना अपना दिल के अंदर वो होता है। बहरहाल नतीजा ये हुआ कि ISI MI
और जो एयरफोर्स इंटेलिजेंस, जितना पाकिस्तान आर्मी के अंदर आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तमाम यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उस तरह एयर इंटेलिजेंस का भी डीजी होता है, डीजी एयर इंटेलिजेंस, इसी तरह से डीजी नेवल इंटेलिजेंस होते हैं। उन लोगों ने जो है वो जब खुरा लगाया तो पता चला कि, क्योंकि ऐसे तो नंबर वन नहीं कहलाते, उन्होंने खुरा लगाया, पता चला कि जनाब ये मामला तो सारा का सारा जो है ये तो जवाहर साहब के जो भाई हैं जो 2021 में रिटायर हो गए थे, ये जवाहर साहब के भाई का मामला है और वो वहाँ से चला रहे हैं और पीछे जवाहर साहब, आसिफ साहब और एहसन रफीक साहब जो है वो मौजूद हैं। बहरहाल नतीजा ये हुआ कि ये सारे पकड़े गए। इन लोगों को तकलीफ थी कि क्यों बाबर सिद्धू साहब को, नतीजा ये हुआ कि आज बाबर सिद्धू साहब को इसलिए एक्सटेंशन दी गई क्योंकि उन्होंने 1.6 बिलियन डॉलर का सरमाया पाकिस्तान के अंदर वो ला रहे हैं और ये कंटिन्यूटी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो कंटिन्यू करें एज एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान फजाइया के। अभी उन्होंने अपना लोहा मनवाया, अभी हालिया जो अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ, दीगर ऑपरेशन जो हुए उसके अंदर उनकी काबिलियत का लोहा मनाया गया। एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने कमांड ली थी मुजाहिद अनवर साहब से, लेकिन बहरहाल हम उसके ऊपर बाद में जाते हैं। फिर इन सबको जो है वो सजाएं हो गई और ये जो कुछ अफसर जो थे जो इसके अंदर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस थे उनको जो है बकायदा अडियाला जेल के अंदर 14-14 साल की पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कौम तो जानती है अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है, उसके जरिए इनको जो है जब, और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इन सब ने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया और उसके अंदर इनका कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल के बाद इनको सजाएं हुई 14-14 साल और उसके ऊपर बड़ा दिल है बाबर सिद्धू साहब का, उन्होंने इनकी सजाएं गालिबा 10 साल या 7 साल जो है वो कहा कि नहीं यार फिर भी हमारे पुराने सज्जन बेली थे, गलती हो गई, कोई भी मेरे साथ हसद के अंदर हुआ, लेकिन उस हसद जाती नहीं था, उससे पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और उस नुकसान का फ़ायदा उठाने वाले कौन थे, वो लोग जो पाकिस्तान का खाते थे, पाकिस्तान के ऊपर हुराने लगे, जिनमें वजाहत ऐश खान जो कि एक भगोड़ा आदमी है, पाकिस्तान से भाग गया, आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका हर्जा सराई का जाने नहीं देता, सोशल मीडिया पे बैठ के आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ खुराफात जो है वो बकी जाती हैं, और उसके अंदर दूसरी जो शाहकार हैं वो हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीका, जिन्होंने मिलिट्री इंक लिखी किताब जो कि सिर्फ पैक ऑफ लाइज, झूठ का पलंदा था, उसके अंदर कुछ नहीं, और जब उनको जो है वो आयशा सिद्दीका को बोला गया कि आए सबूत फराहम करें तो वो फरार हो गई पाकिस्तान से, और वो भी इसके अंदर कार खैर के अंदर जो मुल्क के खिलाफ है, जो एयरफोर्स के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ है, पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ है, उनके खिलाफ जो है वो इन्होंने महाज बनाया। वजाहत ऐश खान और आयशा सिद्दीका जो है उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम की बौछार कर दी, लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि ये जो सारा काम हुआ इसके अंदर जब किसी की भी तौसी होती है तो जाहिर है आर्मी चीफ से भी मशवरा लिया जाता है। जॉइंट चीफ जो हैं वो बड़े अहम होते हैं क्योंकि टेक्निकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है जॉइंट चीफ के नीचे होती है, तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने बकायदा मुशावरत की, तो वो लोग जो ये कहते थे कि जी ये तो जनरल बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब ने लगवाए हैं वो तो बात हो गई गलत, क्योंकि अब जो है वो तो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, DGISI हमारे जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब हैं, तो इनका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि तमाम सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करना, एक शरीफ आदमी को बदनाम करना, एक प्रोफेशनल आदमी जिसका मैंने आपको कैरियर बताया, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उनको उनकी सर्विसेज के हवाले से जो है एक्नॉलेज किया, उन्होंने अपनी जो है वो काबिलियत का लोहा मनवाया। बहरहाल ये सिलसिला जो है वो चलता रहा और अल्लाह ने किया कि जो जिसके लिए खड्डा खोदा था उन्होंने, वो जवाहर साहब और एहसन रफीक साहब और आसिफ साहब जो है वो खुद उसके अंदर मुंह के बल गिर गए। वो कहते हैं जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बाबर सिद्धू साहब जो है उनको इस जुर्म की पादाश में कि वो पाकिस्तान के लिए 1.6 बिलियन डॉलर के उनकी किरदार कुशी की गई, एयरफोर्स की किरदार कुशी की गई, एयरफोर्स को और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाला गया, ये वो लोग हैं, और नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको रिवॉर्ड दिया और उनको 1 साल की एक्सटेंशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने दे दी, और जलते जलने वाले जो है वो जलते रह गए और अल्लाह ताला ने जिसको कामयाब करना था वो कामयाब कर दिया।
पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।